एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। अब हम आपको मीन लग्न के जातक को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मीन लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, शुभ हैं, सम है, अशुभ है, मारक है, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले हम थोड़ी सी जानकारी मीन लग्न के जातक के बारे में देखें कि ये लोग शांति प्रिय होते हैं, चिंता रहित रहते हैं, ये धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं, परोपकारी, प्रेरणादायक, रूढ़िवादी, महत्वाकांक्षी, ऐसे इनके थोड़े गुणधर्म हैं। तथा आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मीन लग्न के जातक अपने कुंडली अगर वो देखना स्वयं देखना चाहते हैं तो हम उनको जानकारी देंगे ग्रहों के बारे में कि उसमें किस तरह से ग्रह उनको अच्छे फल देगा, सम फल देगा या खराब फल देगा। उसके पहले हम बताएं कि मीन लग्न के जो जातक है इनका जो ग्रह होता है वह है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में ये है कि उत्तर दिशा में अच्छा रहता है, ये संध्या को बलि रहता है, ये उभयोदय राशि है, जलचर राशि है, स्त्री जाति की राशि है और दो स्वभाव की राशि है। तो अब हम एक आपको यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक कुंडली हमने यहाँ बनाई है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि ये मीन लग्न है, ये पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारह, बारह, ये बारह भाव बताए गए हैं। इसमें आपको ग्रह दिखाए गए हैं, ये लग्न भाव है, ये चौथा भाव, ये सप्तम भाव और ये दसम भाव है, इसको हम केंद्र भाव बोलते हैं और ये जो पंचम भाव और नवम भाव को हम त्रिकोण भाव बोलते हैं। तो कोई भी कुंडली हो उसका केंद्र भाव और त्रिकोण भाव में अगर उनके ग्रहों की दशाएं अंतर दशाएं चलती हैं और वो ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए रहेंगे तो वो अच्छा फल देंगे। तो अब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि मीन लग्न में जातक का जो शुभ ग्रह है आने बहुत ही योग कारक जो ग्रह है वो गुरु ही होता है, जो लग्नेश का स्वामी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके पास दो डिपार्टमेंट है, एक कर्म भाव का मालिक है और दूसरा लग्न भाव का मालिक होके वो कुंडली में आपको देखो ये बैठा हुआ है आपके नवम भाव में, नवम भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव में ये जो बोलते हैं भाग्य भाव बोलते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत ही योग कारक है। आप अपनी कुंडलियां देख लीजिए, अगर जो भी जातक जाति का कि मीन लग्न कुंडली है और अगर उनको गुरु की अगर दशा चल रही है तो बहुत ही योग कारक है। ये है कि गुरु आपका आप अपनी कुंडली में देखिए, वो पहले भाव में हो, चौथे में हो, सातवें में हो, दसवें में हो या पांचवें में हो या नौवे में हो, तो यहाँ नौवे भाव में है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। अतः आपको बताएं कि इस कुंडली में अब हम बृहस्पति के दृष्टियां होती है, यहाँ से एक दो तीन चार और पांचवी दृष्टि से खुद लग्न को देखता है तो ये बहुत अच्छी बात है। वहां से वो सप्तम दृष्टि से अपने भाई बहनों के घर को, साहस के पराक्रम को घर को देखता है तो उसका फल देगा और यहाँ बुद्धि भाव को देखता है तो उसका फल देगा। तो जिस तरह से हम देखें तो ये त्रिकोण भाव है, भाग्य भाव है, धर्म भाव है,
ये यहाँ से जब ये लगने पर दृष्टि देता तो जातक जो बिल्कुल शारीरिक सौंदर्य बहुत अच्छा रहता है, उनका प्रभाव अच्छा रहता है, यह सब स्वाभिमान में वृद्धि होती है। फिर वो विद्या भाव को देख रहा है नवी दृष्टि से, तो आप उसकी विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ रहेगा वो, उसको संतान पक्ष से भी अच्छा सुख प्राप्त होगा। वो अपने भाई बहनों, क्योंकि सातवीं दृष्टि से भाई बहन के घर को देखता है, पराक्रम को देखता है, तो उसका भाई बहनों से अच्छा संबंध रहेगा, उसका पराक्रम भी अच्छा रहेगा। और इस तरह से हम देखें कि इसके बाद दो डिपार्टमेंट, लग्न क्या है और कर्म भाव है, तो कर्म भाव के हिसाब से उसको राज्य का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, आपके व्यवसाय का और नौकरी का भी अगर कारक है या कर्म भाव, तो नौकरी व्यवसाय भी आपके अच्छी सफलता मिलेगी, उसमें भी यश सम्मान प्राप्त होगा, आप उच्ची पोस्ट पर जा सकते हैं, जो भी कंपनी में कार्य कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसमें उच्च पद प्राप्त करते हैं, प्रमोशन होता है। इस तरह से आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति की दशा चल रही है तो ये सब जो चीजें हमने बताई वो आपको प्राप्त हो सकती है, परंतु इसमें ये देखना है कि बृहस्पति सुप्रभाव में हो, जैसे यहाँ चंद्र के साथ मित्र के साथ है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा राजयोग है कि ये नवम भाव का पंचम भाव का स्वामी होके यहाँ बैठा हुआ है। तो ये बृहस्पति विदेश यात्राएं भी कराता है, लंबी दूरी की हवाई यात्रा कराता है, तो वो भी आपको प्राप्त होगी। पर ये जरूर देखिए कि आप कुंडली में भी बृहस्पति लग्न में बैठा हो, चौथे भाव, सप्तम भाव, दसम भाव में बैठा हो और शुभ प्रभाव में हो, जैसे चंद्र से यहाँ शुभ प्रभाव में है, और इस पे कोई भी बृहस्पति अस्त नहीं होना चाहिए, सूर्य से वक्री नहीं होना चाहिए तथा वो नीच राशि का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि बृहस्पति का कितना अच्छा यहाँ पे, और वो अच्छा सहायता दे रहा है आपको, बहुत भाग्य में वृद्धि करवा रहा है, बहुत अच्छी पोजिशन में है, तो आप भी अपनी कुंडली देख लीजिए। इसके बाद में दूसरा जो शुभ ग्रह यहाँ चंद्रमा बनता है, चंद्रमा के पास में विद्या का जो डिपार्टमेंट है, बच्चों का डिपार्टमेंट है, तो आपको आपकी पढ़ाई हायर स्टडी करना है तो हायर स्टडी के लिए भी आप जा सकते हैं कि चंद्रमा भी यहाँ पे देखिए, ये त्रिकोण का स्वामी होके त्रिकोण में राजयोग बना रहा है और वो भी बृहस्पति के साथ में है, तो आप हायर स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको शादीशुदा है तो बच्चे भी प्राप्त होने की इसमें उम्मीद बढ़ जाती है, आपका विवेक अच्छा काम करेगा, आप अच्छे काम कर सकते हैं, ये सब दिखाता है। तो दूसरा जो ग्रह यहाँ पे बहुत अच्छा है शुभ है वो चंद्रमा है। तीसरा ग्रह है मंगल, जो मंगल इस कुंडली में देखिएगा कि भाग्य का मालिक है और उसके पास में एक धन का मालिक है, ये साहस का मालिक, धन का मालिक है, एक नंबर जो है मेष राशि है उसका मालिक है, और एक ये है नवम भाव का मालिक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस कुंडली में ये ग्रहों का अच्छा फल प्राप्त होता है। और हम जो अशुभ ग्रह इसमें है, इसमें जो अशुभ ग्रह है वो ये सूर्य का जो है, सिंह राशि का सूर्य छठे भाव का में है, तो ये अशुभ है यहाँ पे। फिर यहाँ देख सकते हैं बुध जो ग्रह है वो अशुभ है, ये 3-6 का मालिक है वो अशुभ है, अने बुध को हम सम के, क्योंकि केंद्र के हैं डिपार्टमेंट के है, तो थोड़ा सम बोल सकते हैं हम। शुक्र जो है यहाँ पे उसके पास में जो डिपार्टमेंट है, ये देखिए ये थर्ड हाउस है और ये अष्टम भाव है, तो तीसरे अष्टम भाव का मालिक होने से शनि यहाँ पे मारक भी हो जाता है, अच्छे फल नहीं देता है, तो इसकी आपको पूजा करानी चाहिए या इनके मंत्रों के जाप करना चाहिए शुक्र के, तथा आपको महामंत्र जी के जाप करना चाहिए, इनके पदार्थों के दान करना चाहिए, मंत्रों के जाप करना चाहिए। तो शुक्र यहाँ पे अच्छा नहीं है, यहाँ पे शनि को भी देख लें, शनि के पास में है दो डिपार्टमेंट है, एक तो लाभ का और खर्च का, वो भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बुध शुक्र शनि यहाँ पे
अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तो आप इन ग्रहों के हो सके तो पूजा पाठ कराना चाहिए, मंत्रों के जाप कराना चाहिए, वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो हमने जाना मीन लग्न के जातक के लिए शुभ अशुभ स्थितियाँ आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दीजिए। और मेरी चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जानकारी दीजिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है 9893234239, आप टेलीफोन से परामर्श मामूली दक्षिणा के साथ में ले सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।